एवरीवन, तो सुबह के बजे हैं अभी 8 लग चुके हैं और सब लोग, सॉरी 8 क्या, 7, सुबह 7 बज रहे हैं तो हम उठ चुके हैं और सब निकलते हैं। निकलने की तैयारी करते हैं, पहले हम लोग के पहले रेडी होते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। जैसे कि कल हमने बताया कि आज हमारा आखिरी दिन है, वो निकल रहे हैं बस, आज सुबह मॉर्निंग में निकल जाएगा जिससे हमें ज़्यादा जाम ना मिले। और फिर तो जाम भी मिलता है और संडे भी है, संडे की वजह से थोड़ा हो भी सकता है जाम मिलने ज़्यादा, तो टाइम से निकल जाता है हम ना, रेडी होते हैं हम सपना सामान सामान गाड़ी में रखते हैं, सारा जो भी है जो जो हमने लिया था वो बैग और कपड़े कुपड़े सारा सामान रख लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलो ठीक है, तब तक आप ब्लॉग देखा, मैं सॉरी ब्रेकफास्ट तो हमें करना है, तो मैं तो ब्लॉग कर दिया गलेगा भी है, ठीक है सब मिलते हैं। चलो अब मौसम जो क्या प्यारा हो रहा है बाहर, मौसम दिखाता हूँ आपको बाहर, इतना मौसम देखो इतना मैं मुँह हाथ धो, फिर आपसे मिलता हूँ, मुँह हाथ धोगा नहा धो के सारा। तो गाइस चलिए चलते हैं, निकलते हैं अब यहाँ से, यहाँ से निकल के पकड़ते हैं। अब निकलते निकलते वही देखो 9 बज गए हैं। एक तो भाई का कल की वजह से इतनी थकान हो रही है ना, मन भी नहीं कर रहा कल, एक तो कल का दिन बड़ा अजीब सा गया यार, मैं गर्मी में पूरा, एक तो फिर आते हुए फिर वो रैपिडो करी, बाइक गलती करी, रैपिडो करनी नहीं चाहिए थी मेरे को, तो उससे अच्छा मतलब मेट्रो सा आता है फिर वो सही था सबसे बढ़िया, कम से कम गर्मी तो नहीं लगती धूप से। अब चलो चलते कोई नहीं, अब फिलहाल चलते हैं निकलते हैं, 9 बज चुके हैं, देखते हैं खतौली रुकेंगे हल्दीराम, बाकी रास्ते का दिखाते हैं, कुछ बात करेंगे तो ठीक है, वरना मन तो है नहीं आज, सीधा चलेंगे आराम से। चलो मिलते हैं वहीं पे। एक तो सुबह के टाइम निकलने का ना फायदा भी बहुत होता है, सुबह के टाइम देखो जाम भी नहीं है, खाली पड़ा है बिल्कुल, जल्दी निकल के बस एक ही फायदा है, ट्रैफिक नहीं मिलता बस। एक तो हुआ क्या, ट्रैफिक तो मिलता कैसे, निकल गया नोएडा से, नोएडा सिटी में से निकल गया, हाईवे पर ना पकड़ के नोएडा सिटी में से निकल गया बाहर, चलो वो भी अच्छा हुआ, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं अपना, बढ़िया हो गया अपना, सही है अपना, बाहर निकल के बार बार निकल के अपना।
चलिए गाइस, फाइनली पहुंच गए खतौली हल्दीराम पे। नमस्ते द्वार, कुछ खाते हैं यार। पता है बहुत बैठ का सर में दर्द हो रहा है आज तो। एक तो गर्मी में, पता नहीं गर्मी वजह से हो रहा है क्या और क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। गाड़ी में से निकला मैं, मन भी नहीं चल रहा। AC भी पता है लो पर चला रखा है मैंने। तो गाड़ी में से निकल के भी इतनी भयंकर गर्मी लग रही ना आज, क्या ही बताओ यार। हालत खराब हो गई यार, क्या खाएं क्या। मुझे लग रहा है ना खांसी भी हो गई, कॉफी प्रॉब्लम ले रहा आज। कल वो कोल्ड ड्रिंक पी ली मैंने ना गर्मी में, एक तो ठंडी भी नहीं थी यार, वो पता बहुत बर्फ वाली हो रही थी। सो ऐसे क्या लग पता गला खराब हो गया हो। चलो अपना खाते हैं कुछ, फिर मिलते हैं आपसे। मैं एक दिन में ऑर्डर कर लेता हूँ, क्या क्या ही दिखाना है वो दिखा ही चुका हूँ। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं। चलिए ऑर्डर तो अपना कर दिया है हमने, बट यार आज बिल्कुल भी हालत खराब सही नहीं है। मैं सर में बहुत भयंकर लग रहा, कभी मैंने अभी आज तक मतलब मैं कभी जितनी बार भी खाता हूँ कभी मैंने ऑन टेबल ऑर्डर नहीं किया। आज पहली बार ऑन टेबल ऑर्डर करा है। आज कोल्ड कॉफ़ी भी जो मंगाई ना मैंने, कोल्ड कॉफ़ी भी बिना आइस की मंगाई है, कभी बिना आइस के नहीं पी मैंने आज। टाइम बिना आइस की कोल्ड कॉफ़ी पीनी पड़ रही नॉर्मल। बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गया, आपको दिख रहा होगा, आपको आँखें कैसी हो गई, लाल निकाले वो कल धूप में भीग के हो गया यार। थोड़ी धूप में हो गया, धूप में जो भीग रह लिया ना मैं इतनी देर। गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा होती है यार, दिल्ली का और वहाँ का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। कोई नहीं, चलो घर जाके अपना दवाई खाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। दाने देखो कितने हो गए, कितने सारे हो गए। चलो अपना ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, ऑर्डर आने दो। कार्तिक आज मील करी आज मील, मतलब कार्तिक आजन के नाम पर मील ही होना थी। वो देखते हैं कार्तिक आजन मील कैसी हो, ट्राई करते हैं। चलो ऑर्डर आने दो, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक आप एंबियंस एंजॉय करो, एक बार एंबियंस दिखाता हूँ यहाँ पर क्या बढ़िया है। दोबारा पहले तो दिखाई था डिब्बी थी, वो दी नहीं उन्होंने, बताओ यार। बोला और वहाँ पे अब बोल ला के दे रहे हैं। अच्छा है यार, टेस्ट अच्छा है। चलिए मैं खाना पीना तो हो चुका है, वॉशरूम में एक बार जाकर मुँह धो जाता हूँ यार, क्या पता थोड़ा फ्रेश सा फील हो। मुँह धो के फिर अपने निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं इस डाक को फैला दूँ। मेरा वॉशरूम है पहले। चलो जी, तो मुँह धो लिया है थोड़ा, देखते हैं फ्रेश फील। वो तो अच्छा है यार, मिलते हैं। बाकी अपना यार दिखा दूंगा थोड़ा बहुत रास्ते का, बाकी सीधा सीधा जाके दे दूंगी, तब बात करते हैं आपसे यार, ठीक है जी। मैं अब सबर नहीं हो रहा, तो सीधा घर पहुँच के तभी आराम होगा। रास्ते में कहीं केमिस्ट मिला तो यार दवाई लेता हूँ पहले। बाकी आप तब तक हमारे, आपको दिल्ली की सीरीज़ कैसी लगी, दिल्ली के ब्लॉग्स जो बनाए उन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना, पहले वाले जो हैं उन पर भी दिखा, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए टेक केयर, आगे मिलते हैं आपसे। यार सामने वेलनेस सेंटर था एक, नमस्ते यहीं पे लगा हुआ वेलनेस सेंटर, तो वो उनसे एक मेडिसिन ले रही थी दवाई की सर दर्द की, तो मिल गई, थैंक यू। चलो बढ़िया है यार, अपना यहीं पे काम हो गया कम से कम कुछ, तो दिखाता हूँ आपको एक मिनट। वेलनेस सेंटर नमस्ते, कंसल्टेशन चल रहा है यहाँ पर। तो मेरी एकदम से ना नज़र पड़ गई वहाँ पर, मैंने कहा चल देखूँ जरा हैंकर। जैसे ही वहाँ देखा तो दिख गई मेरे को बढ़िया गाड़ी का।
चलिए फाइनली हम पहुंच गए हैं देहरादून। तो वैसे तो दवाई खा के वहाँ पे जब दवाई खाई थी ना उससे काफ़ी आराम मिला, बट ये है कि थोड़ा थोड़ा अभी भी है, थोड़ा रेस्ट करूँगा घर जाके तो थोड़ा फिर बेटर फील करूँगा। चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया इस वाले ब्लॉग में तो कोई, बट आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। ये चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय, और ध्यान रखना सब अपना, और चैनल को लाइक शेयर और मतलब इस ब्लॉग को लाइक और शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, कल ये वाला ब्लॉग यही होता है।